हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं संजीव। दोस्तों, अभी मैं आया हूं महाकाल देव मंदिर के सामने, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे है एक होम स्टे जहां पे हम बात करेंगे होम स्टे के बारे में कि वहां पे कितने प्राइस में आपको रूम मिल जाता है, उसके अलावा आपको कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग। हमारे सामने जो आप देख रहे हो, ये है महाकाल मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। अगर हम बात करें, यहाँ से गेट होता है तो इसके सामने, जैसे ये पुलिया ख़त्म होती है उसके सामने आपको ना ये होम स्टे के नाम से मिल जाएगा। मैं आपको नीचे से दिखा दूंगा। तो अगर आप जाते हो तो ये इनका होम स्टे का, साथ साथ अगर हम बात करूँ ये इनका होम स्टे का आपका रहेगा। अब बाकी अंदर से मैं रूम दिखा देता हूँ, उसके अलावा सबसे बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे प्राइस वगैरह रहेगा और किस हिसाब से इनके रूम रहते हैं। अभी हम सर से बात करते हैं तो इसके बारे में। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हो आप सर? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। इस होटल के बारे में, जो आपका होम स्टे है, इसके बारे में बताइए सर, क्या नाम है और कहाँ पे इसका एड्रेस रहता है? सर, हमारी होटल का नाम होटल श्री राम कृपा गेस्ट हाउस है। ओके। और इसमें हम कम से कम रेट में यहाँ पर दर्शनार्थियों को रूम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। और हमारा शुरुआत रूम की 800 रुपये से स्टार्ट है, जो 1500 रुपये तक है। और एसी में चाहे तो एसी का इंक्लूड करके कम से कम में वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके। तो सर, यहाँ पे आने के लिए अगर आया जाए तो कैसे आ सकता है पर्सन? या तो बाई, आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो महाकाल लोक की पार्किंग बोल के आप हमारे होटल पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा? कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डिस्प्ले पे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। हाँ तो ठीक है सर, बाकी आप एक बार है ना रूम दिखा दीजिए, कैसे रूम है यहाँ। आइए सर। अभी हम आ चुके हैं रूम के अंदर, अभी हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। तो हम अगर बात करें, ये है इनका फर्स्ट रूम जो कि 4 बेड है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बड़े हैं रूम, और काफ़ी सीलिंग वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है। रही बात, ये एसी रूम रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा, आपको क्लीन एंड डीप एंड क्लीन मिल जाएगा। उसके अलावा ये है रूम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अभी हम आ चुके हैं छत पर। तो ये छत वाला रूम है, ये भी बड़ा रूम है आपका। तो इनके जो रूम रहेंगे वो काफ़ी बड़े रूम हैं, तो सिंगल रूम भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप एक बार आने से पहले कॉल करके आ सकते हो, नंबर इनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इनका वॉशरूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे 2 रूम और तैयार हो रहे हैं, मतलब घर हैं, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो धीरे धीरे तैयार हो रही है। बाकी मैं आपको ना ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ महाकालेश्वर मंदिर का। तो यहाँ से अगर आप आते हो तो ये जो सामने आप देख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सामने ये यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर का नज़ारा है। ये सामने बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर है, तो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। ये था दोस्तों इस छोटा सा होम स्टे का एक छोटे से व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक बाय बाय।